Assalamualaikum, welcome or welcome back to my channel हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव की रेसिपी, बहुत इजी वे में और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो इसके लिए क्या क्या मसाले लगते देख लेंगे। धनिया ले ली मैं 2 स्पून, सौंफ 2 स्पून, जायफल जावित्री 1 बड़ी इलायची, सौंठ का पाउडर 1 स्पून, जीरा 1 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, ये सब चीज़ों को मिक्सी में डाल के पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। अब हम भगोना चढ़ा लिए, भगोना गरम हो गया, तेल डाल देंगे इसमें हम। तेल हल्का गरम हो गया, मीडियम फ्लेम पे रख ली मैं गैस को। अब हम इसमें तेज़पत्ता, स्टार एनिस, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून। अदरक लहसुन को भून लेंगे हम। कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे हम अदरक लहसुन को। अब हम हरी मिर्ची, कोथमीर और पुदीने का पेस्ट बना के रेडी कर ली थी मैं, वो ऐड कर देंगे। 3 स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट डाली मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अच्छे से भून लेंगे हरी मिर्ची को भी। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, चिकन को धो के रख ली थी मैं, 1 किलो चिकन है ये। मिला लेंगे चिकन डालने के बाद में। कुछ देर इसी तरह से भून लेंगे हम इसको। अब हम इसमें मसाला जो पीस के रख ली थी मैं पाउडर, वो डाल देंगे। 3 स्पून मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिला लेंगे हम मसाला डालने के बाद में। अब हम टमाटे ले लेंगे, टमाटों को 3 टमाटों को काट के रख ली थी मैं मीडियम साइज़ के, वो ऐड कर देंगे। टमाटे ऐड करने के बाद में फिर से मिला लेंगे हम। अब हम ढक्कन ढाँप के कुछ देर के लिए पका लेंगे। अभी चेक कर लेंगे हम। थोड़ा बहुत गल गए टमाटे ये। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, 3 स्पून नमक डाल रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक डालने के बाद फिर से मिला लेंगे हम। अब हम इसमें दही डाल देंगे, दही को पीस के ले ली मैं, क्यों बोलते ना तो दाने दाने आते
और हम इसको ज़्यादा भून भी नहीं सकते क्योंकि चिकन पूरा गल जाता है ये जल्दी, इसलिए पीस के ले ली मैं दही को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बीट भी करके डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम ढक्कन ढाप के 10 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। चलिए चेक कर लेंगे, 10 मिनट हो गए। ये देखिए दही में से पूरा पानी रिलीज हो गया, अच्छे से भुन भी गया ये। अब हम पानी ऐड कर देंगे। 4 मप चावल ली मैं, तो पानी बासमती चावल के लिए 6 मप पानी ली मैं। ऑलरेडी इसमें थोड़ा पानी था इसीलिए 6 मप पानी ली मैं। अच्छे से मिला के ढक्कन ढाप के बॉईल आने तक पका लेंगे हम। एक घंटा पहले बासमती चावल को धो के भिगने के लिए रख दी थी मैं। चलिए अभी चेक कर लेंगे अधन आया नहीं। ये देखिए अधन आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी अच्छे से निथार ली पूरा मैं इसमें का, चावल में का। चावल डालने के बाद में मिला लेंगे हम फिर से। अब हम इसमें कोथमीर डाल देंगे काट के। चार नींबू में से 3 नींबू का रस निकाल ली मैं और 1 नींबू को स्लाइसेस बना के काट ली थी, ये भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता स्लाइसेस से। अच्छे से मिला लेंगे हम। ढक्कन ढाप के पका लेंगे। ये देखिए पानी थोड़ा कम हो गया चावल में का, फिर से मिला लेंगे। फिर से ढक्कन ढाप के पका लेंगे। अभी चेक कर लेंगे हम। ये देखिए पूरी तरह से पानी कम हो गया इसमें का। अच्छा, मिला के बराबर कर देंगे हम चावल को। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम कर लेंगे हम खाना चावल को ही। 10 मिनट हो गया, चेक कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया चिकन पुलाव। अब हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे, फ्राइड ऑनियन डाल देंगे ऊपर से। दम होने के बाद में डाल रही हूँ मैं, दम होने से पहले अगर डाल के हम दम करेंगे तो प्याज काली हो जाती, इसलिए दम होने के बाद में डाल रही हूँ मैं। इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ ये। अभी हम डिश आउट कर लेंगे इसको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो बन के रेडी हो गया चिकन पुलाव, बहुत इजी वे में, बहुत ही मज़ेदार। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा।
फिर से थोड़ी ऑनियन गार्निशिंग कर लेंगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मज़ेदार पुलाव रेडी है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया इसका, ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।